गारंटी नहीं होती यार, गारंटी तो वो देते हैं झूठी। ये अकेली पार्टी है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ रही है। कोहली जी बनाएंगे आज, लिख के देते हैं आपको। वोट हमारा राज तुम्हारा। तो गिनती नहीं थी, गिनती में बहुत बड़ी जोश जाम लग चुका था कहीं ना कहीं। रोहतक के अंदर इतनी भारी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे थे। हाँ बिल्कुल, रोहतक जाम था और आपने देखा भी होगा ना, संविधान से चलते हैं, संविधान से चलने वाले पार्टी है हमारी। ऐसे झूठे वादों पर नहीं चलती हमारी पार्टी, जो बहन जी कहती है वो करती भी है। युवाओं को हम फ्री शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। जैसे बहन जी ने 1.5 साल के कार्यकाल में 7 लाख नौकरियां दी, 2 लाख जो कच्चे थे उनको पक्के करा, और IAS और IPS की हर बिरादरी के लिए फ्री कोचिंग है। बिल्कुल फ्री कोचिंग और क्या, और 6-6 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां बनाई, 11-11 हॉस्पिटल बनाई, बहुत बड़े इंडिया लेवल के। तो ये सब हरियाणा में भी करने वाली है मायावती? करेंगे, हमारी पार्टी हरियाणा में आने वाली है। अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है अभी मायावती? 10 सीटों पे, यहाँ पे हरियाणा में, हरियाणा 10 सीटों पर। हाँ टोटल भारत के अंदर ये सभी सीटों पे लड़ रही है, टोटल भारत में सभी सीटों पे। और अकेली पार्टी है, एक 38 दल का की पार्टी है, एक 28 दल की है। ये अकेली पार्टी है जो पूरे इंडिया में इलेक्शन लड़ रही है अपने दम पे। सेंटर की पार्टी है। हाँ हम देंगे आपके बच्चों को रोजगार, हम आपके बच्चों ने देंगे शिक्षा, भाई पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ कर लिख कर बढ़िया नौकरी करेंगे, मांग का खाने की आदत नहीं गिराएंगे। बहुजन समाज पार्टी का ये बढ़िया, बहुत बढ़िया जो एक विचार, उस विचार के साथ लोग जुड़े हुए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, भारत की बल्कि सबसे अभी थोड़े दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खुले, वो पोल जब खुली तो सब ने पता लग गया, ईडी की बंदूक दुनिया ही कनपट्टी पर धर के, बिजनेसमैन ना ही कनपट्टी पर धर के, लोग आतुका ही करी जान लाग रही है। बहुजन समाज पार्टी, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, यहाँ तक कि वो पार्टियां जो दमखम का है भाई हम तो ईमानदार पार्टी हैं, वो पार्टियां ने भी पैसा मांगा है बिजनेसमैनों से। तो हम तो कहते थे गरीबा की पार्टी है, गरीबा की है, लेकिन ये ईमानदार, क्योंकि गरीब आदमी ईमानदारी तो कमावे जी। सड़क पर बैठ के जूती गाठनी आदमी ईमानदारी का पैसा खाता है, ये बेईमानी नहीं करता। जो सड़क पर रेडी लगा हो वो ईमानदारी का पैसा खाता है, वो कितके ठेके लेगा, किसी ने धमका के पीछे ले लेगा। तो गरीबों की पार्टी और ईमानदारों की पार्टी, ये साबित होया है। और अब तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो भी इस पार्टी की तरफ देखने लग रहे हैं कि कुछ बनेगा तो आड़े तो बनेगा, इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाओ। एक भी रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुजन समाज पार्टी ने नहीं लिया। माननीय कांशीराम जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय माननीय जो है आकाश आनंद जी, एक विचारधारा पर जो हम चलते हैं, उस विचारधारा के तहत जो हम चलते हुए हमने आज तक ये जो पाया कि ईमानदार पार्टी, सबसे ईमानदार पार्टी, और ये सेल्फ हेल्प की पार्टी, इसको एक शब्द हम बोलते हैं कि सेल्फ हेल्प की एक पार्टी है। वर्कर अपनी जेब से सालाना एक महीने का जो 100 रुपए 200 रुपए दे के बहुजन समाज पार्टी को देता, उससे पार्टी चलते हैं। और इस ईमानदार पार्टी से हमारे भाई राजेश जी, मैं एक बात और दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई झूठा साचा केस नहीं है, सब तो ईमानदार आदमी है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम ईमानदार स्टैंड लेनी आदमी है। ऐसा जो कैंडिडेट पूरी रोहतक लोकसभा में एकमात्र कैंडिडेट भाई राजेश टिटोली मिला है। और मैं तो जो धन्यवाद दूंगा भाई पार्टी के वर्करों को, और भाई आभार व्यक्त करूंगा सारे वोटरों का। और मैं एक अपील भी करूंगा कि भाई अब की बार राजेश टिटोली भाई का जो है भाई हाथ मजबूत करके आदरणीय बहन जी की जोड़ी में हमने सीट जिताकर डालनी है हाल में। और जो है एक नारा हमारा जो हमेशा ही चलता आया है, वो नारे के साथ में जो पढ़ लो, वोट हमारा राज तुम्हारा। तो क्या प्रलोभन है, देखो ना ये जनता अब भी खड़ी है, नामांकन भरने गए थे, 1 घंटा लग गया वहाँ, ये जनता अब भी खड़ी है। जो यहाँ फार्म भरने आता है जनता थोड़ी मिलती है उनकी, वो इधर आ जाता है वो चले जाते हैं, पब्लिक चली जाती है। कॉलेज बनाएंगे आज, लिख के देते हैं आपको। हमारी सरकार आएगी हरियाणा में, बेंजी की सरकार आएगी, ऊपर भी नीचे भी, हम आपको कॉलेज बना के देंगे लड़की। पहली कलम से पक्का वादा है। सबको जांचा बिल्कुल गारंटी देते हम, संविधान में है ये, अगर जीत जरूरत है। मेरी सुनो, गारंटी नहीं होती यार, गारंटी तो वो देते हैं झूठी। हम जो संविधान में है, जो संविधान है, संविधान हमारा के क्या है, जो बोल दिया ना वो करना है। हमारा संविधान ये कहता है, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान यही कहता है, सबको जांचा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। अब की बार सत्ता उसकी होगी जिसका झंडा नीला है।